हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों के प्यार के कारण ही हमारे 4000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। लेकिन इस चैनल पर कहानियों को सुनने वाले बस 23% व्यूअर्स ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, जबकि 77% लोगों ने कहानियों को सुना भी और पसंद भी किए, लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये काफ़ी अहम है। इस चैनल पर आपके लिए मैं एक से बढ़कर एक मनोरंजक कहानियाँ लाता रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों, पिछले हफ्ते से मैंने आपको ह्यूज एलन की कहानियाँ सुनाने का सिलसिला शुरू किया है। मैंने आपको पिछले हफ्ते ह्यूज एलन की कहानी द थर्ड किल सुनाई थी। कहानी से पहले मैंने आपको उनके बारे में भी बताया कि वो मध्य प्रदेश में रहते थे, जहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ी जायदाद खरीदी थी, जिसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ था। हर बार की तरह आज की कहानी भी काफ़ी रोमांचक होने वाली है, जिसको सुनकर आप महसूस करेंगे कि आप खुद ही अंधेरी रात में उस जंगल में ह्यूज एलन के पीछे पीछे अकेले चल रहे हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रोज की दिनचर्या में अक्सर ह्यूज एलन सुबह और शाम के समय अपने जागीर में वॉक पर जाया करते थे, जिससे उनकी वॉक भी हो जाती थी और उनके जागीर की देखभाल भी हो जाया करती थी। उनकी जागीर का एक बड़ा हिस्सा घना जंगल था, जिसमें जंगली जानवर बाघ, हिरण, लेपर्ड, बारासिंगा, जंगली सुअर आदि सभी जानवर थे। इतने जानवरों के होने के बाद भी वो जब भी वॉक पर जाते तो बस एक छोटा सा डंडा अपने हाथ में ले लेते। उनके घर वाले उनको अक्सर इस बात पे टोका करते थे। वो कहते, जंगल में खुखार जानवर भी हैं, एक छोटे डंडे से वो खुखार जानवरों से अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसके जवाब में वो कहा करते थे, उनको या किसी भी इंसान को जंगली जानवरों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना इंसान जंगली जानवरों से डरते हैं, उससे कई गुना अधिक जंगली जानवर इंसानों से डरते हैं। बाघ, जिसको जंगल का राजा भी कहा जाता है, वो भी काफ़ी शर्मीला माना जाता है, जो इंसानों के सामने नहीं आना चाहता। इसलिए मुझे उन जानवरों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे चलकर ह्यूज एलन के साथ जंगल में दो घटनाएं ऐसी घटी कि वो फिर जब कभी भी जंगल में निकलते तो वो अपनी राइफल साथ ले लेते थे, या फिर जंगल में जाते भी तो दिन ढलने से पहले घर लौट आते। इन्हीं दोनों घटनाओं में से एक घटना मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। अगली घटना के बारे में किसी और दिन बात होगी। तो वो पहला किस्सा कुछ इस प्रकार है। आप जानते ही हैं, ह्यूज एलन मध्य प्रदेश में पिपरिया नाम की जगह के पास रहा करते थे, जिससे 3 या 4 किलोमीटर दूर एक बस स्टॉप था मटकुली। एक बार एंडरसन अपने किसी काम से जबलपुर गए हुए थे। उनको वहाँ से लौटने में रात हो गई। वो करीब 11 बजे मटकुली बस स्टॉप पर उतरे। इतनी रात में वहाँ के आसपास की दुकानें बंद हो गई थी और रिक्शा और बैलगाड़ी वाले भी नहीं दिख रहे थे। यहाँ से उनका घर अभी लगभग 4 किलोमीटर दूर था और वो रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। कोई आम आदमी होता तो कभी भी उतनी रात में उस भयानक जंगल से गुजरने का जोखिम नहीं उठाता, लेकिन ह्यूज एलन ने वही किया जो आम इंसान नहीं करते हैं। उन्होंने रात में ही उस जंगल को पार करने का निश्चय किया। वो बस स्टॉप से अपने घर की तरफ बढ़ चले। उनके पास ना तो राइफल थी ना ही टॉर्च। कुछ ही दूरी पर आने के बाद उन्हें एक बैलगाड़ी वाला दिखा। उन्होंने सोचा, चलो मुझको अब सवारी मिल गई। लेकिन उस बैलगाड़ी वाले ने उनके घर तक जाने के लिए मना कर दिया। वो अपनी बैलगाड़ी में ताज़ी सब्जियां लोड कर रहा था, ताकि वो तड़के सुबह ही मंडी में पहुँच जाए और उसे उन सब्जियों का बढ़िया दाम मिल सके। उसने सोचा था कि जब वो ह्यूज एलन को आगे ले जाने से मना कर देगा तो वो वापस बस स्टॉप पर लौट जाएंगे। लेकिन जब उसे पता चला
कि वो अकेले ही उस जंगल की तरफ जा रहे हैं तो उसने उन्हें अपनी लालटेन दे दी। आप में से जिन लोगों ने कभी लालटेन देखी है तो वो जानते होंगे कि वो कैसे काम करती है। लालटेन में एक शीशे का जाल लगा होता है जिसका काम हवा के झोंकों से जल रही बत्ती को बचाना होता है। ज़्यादा दिन तक प्रयोग करने पर उस शीशे पर काली राख जमा हो जाती है और उस लालटेन को खोलकर उस शीशे को साफ कपड़े से पोंछना पड़ता है जिससे उसकी रोशनी बढ़ जाती है। ह्यूज एलन ने उस बैलगाड़ी वाले की लालटेन तो ले ली लेकिन उसके शीशे पर राख जमा होने के कारण वो काफ़ी कम उजाला कर रही थी। वो उस धीमी लालटेन की रोशनी में ही आगे बढ़ने लगे। सब कुछ सामान्य चल रहा था लेकिन चलते चलते जब उन्होंने अपने घर तक की आधी दूरी तय कर ली तभी उन्हें एक काकड़ की आवाज़ सुनाई दी। काकड़ हिरण की एक प्रजाति है जिसे अंग्रेजी में बार्किंग डियर भी कहा जाता है। बार्किंग डियर इसलिए क्योंकि वह कुत्ते की तरह भौंकने की आवाज़ निकालते हैं। ये काकड़ वार्निंग कॉल दिए जा रहा था। इनकी वार्निंग कॉल जंगल में स्पष्ट रूप से बाघ या लेपर्ड की उपस्थिति बताती है। इसका मतलब अगर काकड़ बोल रहा है तो उसने जरूर किसी बाघ या तेंदुए को देखा है। इस काकड़ की आवाज़ सुनकर ह्यूज एलन वहीं खड़े हो गए और एकदम ध्यान लगाकर उस काकड़ की आवाज़ को सुनने लगे ताकि पता चल सके कि काकड़ किस जगह से बोल रहा है। ये आवाज़ उसी रास्ते के आगे से आ रही थी जिस रास्ते पर उनको आगे बढ़ना था। काकड़ आवाज़ निकालते हुए उसी तरफ बढ़ते चला आ रहा था जिस तरफ ह्यूज एलन खड़े थे। उस काकड़ की आवाज़ और पास आते जा रही थी और जब वो इतना पास आ गया कि वो लालटेन की रोशनी में दिखने लगा तो ह्यूज एलन उस काकड़ को पहचान गए। ये वही काकड़ था जिसे उन्होंने उसके बचपन से पाला था। कई साल पहले गांव के दो आदमी इस काकड़ को उनके घर पर छोड़ गए थे। तब वो काफ़ी छोटा था और सिर्फ दूध पीता था। उन लोगों ने ह्यूज एलन को बताया कि उन्हें ये काकड़ का बच्चा जंगल में अकेला मिला था। हो सकता है उसकी माँ को किसी बाघ ने अपना शिकार बना लिया हो या फिर ये भी हो सकता है कि उन्हीं दोनों गांव वालों ने मांस के लिए उसकी माँ को मार डाला हो और ये बच्चा इतना छोटा था कि उसको ना तो बेचा ही जा सकता था ना ही उसको मारकर मांस मिलता, इसलिए वो इसे ह्यूज एलन के पास छोड़ गए होंगे। वजह चाहे जो भी रही हो, ह्यूज एलन और उनके परिवार ने तभी से उस काकड़ के बच्चे को पाला था। बचपन में वो काकड़ का बच्चा ह्यूज एलन के परिवार से एकदम घुल मिल गया था। वो बिना रोक टोक घर में घुमा करता। कभी वो रसोई में जाकर खड़ा हो जाता तो कभी उनके बेडरूम में। वो उस घर से बाहर कभी नहीं जाता लेकिन जब वो कुछ बड़ा हो गया तब वो उनके घर के आसपास जंगलों में भी जाने लगा। और आज इस अंधेरी रात में जब वो खतरे को भाप कर वार्निंग कॉल दिए जा रहा था तभी उसे फिर से उसकी जान बचाने के लिए ह्यूज एलन मिल गए थे। उस काकड़ ने भी ह्यूज एलन को पहचान लिया और वो उनके पास जाकर खड़ा हो गया। ह्यूज एलन ने उस काकड़ की पीठ को सहलाया। वो उसको ये यकीन दिला रहे थे कि वो उसकी रक्षा के लिए उसके पास ही खड़े हैं। काकड़ कुछ देर में शांत हो गया लेकिन वो उसी दिशा में देखकर बोलते जा रहा था जिस तरफ से वो आया था। ह्यूज एलन ने उसको घर की तरफ हाँकना चाहा लेकिन वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। ह्यूज एलन ने उसके गले में अपना स्कार्फ बांध दिया और उसे खींचते हुए आगे की तरफ रास्ते पर बढ़ने लगे लेकिन काकड़ अभी भी आगे बढ़ने को एकदम तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जिस चीज़ को देखकर वो डर कर बोल रहा था वो चीज़ उसी रास्ते पर आगे खड़ी थी, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा था। काकड़ की आवाज़ और तेज़ हो गई और वो बोलते हुए ह्यूज एलन के पीछे छुप गया। ह्यूज एलन ने लालटेन को आगे की तरफ किया ताकि वो उस चीज़ को देख सकें जिससे ये काकड़ डर रहा था। एक भारी जानवर के कदमों की आहट ह्यूज एलन के कानों में पड़ी। उस तरफ से कोई जानवर उन्हीं की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। इस रोमांच के कारण उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी।
अब न तब वो चीज उनके सामने प्रकट हो सकती थी। कुछ ही सेकंड्स बाद आखिरकार उन्हें वो चीज दिखाई पड़ी जिससे वो काका डर रहा था। एक हष्टपुष्ट तेंदुआ धीमी चाल से चलता हुआ उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। तेंदुए को देखते ही ह्यूज एलन के तो होश उड़ गए। इस समय वो तेंदुए और उसके शिकार काकड़ के बीच खड़े थे और तो और ह्यूज एलन निहत्ते थे। ऐसे में अगर उस तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया होता तो उनका बच पाना मुश्किल ही है, और अगर उसने उस काकड़ पर भी हमला किया तो वो उसे बचा नहीं पाएंगे। वो तेंदुआ धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। ह्यूज एलन रास्ते के किनारे एकदम स्थिर खड़े हो गए और वो तेंदुआ रास्ते के दूसरे तरफ से लालटेन की रोशनी में पास आते हुए दिखाई दे रहा था। आगे बढ़ते हुए तेंदुए को रास्ते के किनारे एक बड़े पत्थर से ठोकर लगी। ठोकर लगते ही तेंदुआ उछाल मारते हुए आगे बढ़ चला। उसने एक बार भी ह्यूज एलन और उस हिरण की तरफ देखा भी नहीं। तेंदुआ अब लालटेन की रोशनी से दूर चला गया था। तेंदुए की चाल कुछ सामान्य नहीं लग रही थी। वो ठोकर खाते हुए आगे बढ़ रहा था और ठोकर लगते ही वो अपनी नाराजगी जताने के लिए घूर रहा था। उसका ऐसा बिहेवियर ह्यूज एलन को भी समझ नहीं आया, लेकिन वो निहत्ते थे। वो जल्द से जल्द सुरक्षित घर पहुंचना चाहते थे। उन्होंने सोचा शायद उस तेंदुए का पेट भरा हो, इसलिए उसने हम दोनों को जिंदा छोड़ दिया। ह्यूज एलन ने जल्दी जल्दी कदम अपने घर की तरफ बढ़ा दिए। अभी तक जो काकड़ आगे बढ़ने से हिचक रहा था, अब वो ऐसे आगे बढ़ रहा था जैसे वो ह्यूज एलन को खींचते हुए ले जा रहा हो। किस्मत से वो दोनों सकुशल घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद उन्होंने काकड़ के गले में बंधा स्कार्फ खोल दिया। स्कार्फ खोलते ही वो काकड़ बरामदे में जाकर बैठ गए। ह्यूज एलन की पत्नी उनका इंतजार कर रही थी। इतनी रात में उनको लौटता देख उसने उनसे इतनी देर से आने का कारण पूछा। तब उन्होंने अपनी पत्नी को रास्ते में घटित किस्सा सुनाया, कैसे उस तेंदुए ने उनसे कुछ ही फिट की दूरी से उनको क्रॉस किया था। उनकी पत्नी ने उन्हें जल्दी हाथ पैर धोकर आने को कहा जिससे कि वो जल्दी खाना परोस सकें। ह्यूज एलन मुँह हाथ धोकर आए तब तक उनकी पत्नी ने उनके लिए गर्मा गर्म चाय सैंडविच और टोस्ट बना दिए थे। चाय पीते पीते उनके मन में एक बात खटक रही थी और वो थी उस तेंदुए का व्यवहार। एक इंसान और काकड़ के इतने पास आकर भी उसने एकदम कोई रिएक्शन नहीं दिया था, जैसे उसने उन दोनों को वहाँ देखा ही नहीं। वो रात भर इसी बेचैनी में रहते कि आखिर उस तेंदुए ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। इसलिए अपनी बेचैनी को शांत करने के लिए भोजन करने के बाद ह्यूज एलन ने अपनी पत्नी से कहा कि वो कुछ ही देर में अभी लौट आएंगे, तब तक वो उनका बिस्तर लगा दे। उन्होंने अपनी राइफल उठाई और टॉर्च लेकर उसी रास्ते पर बढ़ गए जिधर से वो वापस लौटे थे। वो उस जगह पर जाना चाहते थे जहाँ पर उन्हें वो तेंदुआ दिखाई दिया था। आखिर उस तेंदुए ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया था, ये सवाल उनके मन को कचोट रहा था। उन्होंने चलते हुए अपनी राइफल को चेक किया कि उसमें गोलियां ठीक से भरी हुई हैं या नहीं। गोलियां ठीक से भरी गई थी और टॉर्च की रोशनी रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ते जा रही थी, जिसके पीछे पीछे ह्यूज एलन चौकन्ना होकर आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद वो उस जगह पर पहुंच गए जहां पर उन्हें वो तेंदुआ मिला था। वो कुछ देर तक वहीं पर शांत खड़े रहे ताकि वो आसपास होने वाली हलचल सुन सकें। शायद कोई आवाज़ से उन्हें उस तेंदुए की पोजीशन पता लग जाए, लेकिन वहाँ ऐसी कोई आवाज़ नहीं थी। वो अब उसी तरफ आगे बढ़ चले जिस तरफ वो तेंदुआ गया था। धीमे कदमों से आगे बढ़ते हुए वो लगभग 1 किलोमीटर आगे आ गए थे, तब उन्हें ऐसा लगा जैसे तेंदुए ने हल्की गुर्राहट की है। वो उसी जगह पर एकदम स्थिर खड़े हो गए। इस बार उन्हें अपने दाहिने तरफ तेंदुए के होने का आभास हुआ। उन्होंने टॉर्च को उसी तरफ घुमा दिया।
उनका अंदाजा सही था। टॉर्च की रोशनी में उन्हें तेंदुआ सीधी चाल में चलता हुआ दिखाई दिया। वो उस जगह से दूर जा रहा था, इसलिए ह्यूज एलन को उसके पीछे का भाग दिखाई दे रहा था। टॉर्च की रोशनी पड़ने के बाद भी उस तेंदुए का कोई रिएक्शन नहीं था। तेंदुआ सीधे बढ़ते हुए एक झाड़ी में घुस के आर पार हो गया। ये घटना सामान्य नहीं थी। सामान्य जानवर झाड़ियों के किनारे से होते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये तेंदुआ तो सच में अजीब बिहेव कर रहा था। ह्यूज एलन ने उस तेंदुए का ध्यान खींचने के लिए सीटी बजाई। सीटी की आवाज़ सुनकर तेंदुआ वहीं पर खड़ा हो गया और वो पीछे मुड़ा। वो उसी तरफ देखने लगा जिस तरफ से उसे सीटी की आवाज़ आई थी। टॉर्च की रोशनी में जब उस तेंदुए का मुंह ह्यूज एलन ने देखा तो वो थर्रा गए। ये क्या, उस तेंदुए के मुंह पर बस नाम मात्र मांस था और वो भी नीचे लटक रहा था। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने तेंदुए का भूत देख लिया हो। बिना मुंह और नाक के वो तेंदुआ इतना खतरनाक लग रहा था कि कोई सामान्य आदमी होता तो डर के मारे वहीं मर जाता। वो हड़बड़ाते हुए पीछे हटने लगे और वो तेंदुआ अब उन्हीं की तरफ बढ़ने लगा। तेंदुए को अपनी तरफ आता देख ह्यूज एलन घबरा गए। वो अब करें तो करें क्या, ये तो कोई बुरी आत्मा लग रही है जिसको देखने भर से किसी का भी खून पानी हो जाए। ह्यूज एलन ने हड़बड़ाहट में तेंदुए के सीने पर निशाना साधते हुए एक गोली चला दी। वो समझ रहे थे कि इस गोली से उस बुरी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए उन्होंने एक के बाद एक 3 गोलियां उसके शरीर में धंसा दी। 3 गोलियां लगते ही तेंदुआ उसी जगह पर गिर पड़ा। उसके शरीर से मानो खून की धार फूट पड़ी। कुछ देर में जब उसके शरीर की हलचल समाप्त हो गई तो ह्यूज एलन को कुछ राहत महसूस हुई। वो उसके पास बढ़ने लगे। पास पहुंचकर उन्होंने देखा तेंदुआ मर चुका था। उन्होंने अपनी राइफल को किनारे रख दिया और नीचे झुककर इस तेंदुए के मुंह पर टॉर्च करके उसको देखने लगे। अब वो सारा माजरा समझ गए थे। उस तेंदुए के मुंह पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर घाव लगे थे जिनके कारण उसकी दोनों आंखें फूट गई थी। किसी शिकारी ने काफ़ी पास से अपनी छर्रे वाली बंदूक से उसके मुंह पर ही फायर कर दिया था, जिसके कारण उसके मुंह का ये हाल हो गया था। वो काफ़ी तकलीफ में था और अंधा हो जाने के कारण वो कई दिनों से भूखा था। खाने की तलाश में वो इधर उधर घूम रहा था। वो जब भी कहीं ठोकर खाता तो गुर्राने लगता। ह्यूज एलन की गोली ने अनजाने में ही उसकी सारी तकलीफ़ों का अंत कर दिया था। अगर ह्यूज एलन रात में वापस न आए होते तो शायद ये तेंदुआ भूख और दर्द से तड़प तड़प कर मरता। कभी कभी ऐसा होता है, जब आप किसी को तड़पता हुआ देख नहीं पाते हैं तो आपको उसको उसके अंतिम पड़ाव तक पहुंचाना पड़ता है ताकि वो अपनी दर्द भरी ज़िंदगी से निजात पा सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ह्यूज एलन को उस तेंदुए को मानना चाहिए था या नहीं। जाते जाते वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।